हेलो फ्रेंड्स, ग्रेट पांडे शो 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, केजीएफ सीन का बस क्लाइमेक्स सीन बच गया है। लास्ट का जो प्री क्लाइमेक्स देखे थे वो ये था कि वो जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो बुड्ढे को मारने ट्राई करते हैं 22-23 उनको मार देते हैं, उनको जला देते हैं। एक्चुअली एक तरह से सिग्नल जैसा देने के लिए उनको कि हम मैं अभी भी हूं बोल के यहाँ पे। एंड बट वो गरुड़ा एंड वानरम को पता ना चले और वो वहां पे जाके सबको मार ना दे। यहाँ पे क्या करते हैं, जो जो छोटा भाई है वो अपने पिताजी को मार देता है, जो मैंने जो हेड रहते हैं उनको मार देता है, सबका अट्रैक्शन अब इधर हो जाए, है ना। तो वो सीन देखने मिलता है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों, अब गरुड़ा खुद को ही वो एयर हेयर मानेंगे अपना, वो चीज का वही अब राजा जैसा ट्राई करेंगे बनने के लिए। बट ये भी है कि और भी जो बाकी जो ये है विलन्स है जो बनना चाहते हैं उनका भी कहीं ना कहीं हाथ हमको देखने मिल सकता है। तो लास्ट में दोस्तों, अब बहुत ही आइकॉनिक सीन है जहां पे रॉकी का फर्स्ट टाइम फेस ऑफ होने वाला है गरुड़ा के साथ। मेरे हिसाब से ये रियल फेस ऑफ होगा एंड ये फेस ऑफ कपल ऑफ सेकंड्स का ही होगा क्योंकि उसको मालूम ही नहीं चलेगा गरुड़ा का कब फेस ऑफ हुआ है। तो चाहे देरी नहीं करते हैं, ये जो वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सीन इस मूवी का देखते और अपना रिएक्शन देते हैं। आइए दोस्तों, आपके दुश्मन बहुत है, फिलहाल छोड़ दीजिए, अभी जो भी करेंगे माँ की पूजा के बाद ही करेंगे। पंडित जी। हाँ सरकार। मुझे आज ही रात माँ का आशीर्वाद चाहिए, कल सुबह तक मेरा कोई भी दुश्मन सीता नहीं रहेगा। एक तरफ बनराम को शक हुआ तो उसने सिक्योरिटी टाइट कर दी। अजमानी का काम रोककर सब पर निगाहों को सफेद लाइन के पास सिक्योरिटी बढ़ा दो। और दूसरी तरफ विराट इंतजार कर रहा था। ये भी वेट कर रहा। सुबह होने से पहले इतनी सिक्योरिटी के बावजूद उसने गरुड़ा को मार भी दिया तो वो वहाँ से बचकर कैसे निकलेगा। वॉकी की फ्रीक्वेंसी सेट कर दी है, वहाँ जो भी हो मुझे बताना, जो भी हो। आपका सी है अंदर कुछ नहीं। अगर वो ना मार पाया तो उसकी और लोगों की क्या हालत होगी। इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया, ऐसा क्या हो गया जो फोन पर नहीं बता सकते थे। पापा आप बताओगे या मैं बताऊं। वो जगह जैसी भी हो, वहाँ के लोग कैसे भी हों, वहाँ जो गया वो मेरा आखिर है। ये आप बताओगे मेरा आखिर या मैं बताऊं। मुझे डर लग रहा है, डरने के सिवा और क्या ही क्या है। हमने जब से ये दीवारें खड़ी हैं तब से मैं यहाँ हूँ। गुलाम बन के जी रहे थे, सोचा था गुलामी में ही मरूंगा, लेकिन अब हिम्मत आ गई है, विश्वास जाग उठा है। मैं सोच रहा था वो कौन है, यहाँ क्यों आया है। सब जगह वेट हो रहा है कितने लोग वेट कर रहे हैं, क्या होने वाला है। यहाँ शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरे नाराजी की बिजली चली गई है। तो फेंक दिया, फेंक रहा था। समय लाइन के पास भी गार्ड्स बढ़ा दिए हैं। जल्दी छोटे सरकार के कमरे की तरफ जाओ। उसको रात को निकलना भी वहां से। छोटे सरकार के कमरे के बाहर गार्ड तैनात किए हैं। हम सब लोग यहाँ से लेकर काली पूजा तक उनको एस्कॉर्ट कर रहे हो। लोग ज्यादा है, सावधान रहना होगा, छोटे सरकार के आसपास परिंदा भी पर ना मार पाए। जाओ। टेल मी वन थिंग सर, अगर रॉकी गरुड़ा को नहीं मारता तो लोगों की क्या हालत होती। वो है ना हमारी माँ। जय काली। जात्रा में मारेगा वो, जात्रा में मारेगा। हाँ सुनिए, शॉर्ट सर्किट सफेद लाइन के पास लाइस। मैम
पूजा है ना, तो जाना ही पड़ेगा। कोई उसको बना रहा था उसने ना, जाने के 10 सेकंड के अंदर जीप और डॉज की लाइट्स ऑन कर दी थी। उन 10 सेकंड में हमारी नजर से बचकर किसी का सफेद लाइन को पार करके जाना नामुमकिन है सर। पूरे नाराची में सिर्फ एक ही टनल है जो सीधा महल तक जाता है। कोई याद आ रहा है याद है ना, आया जिसने भी शॉर्ट सर्किट किया भी तो उसको टनल से महल तक आने में बहुत समय लगेगा सर, लेकिन जब आपने सबको अलर्ट किया तो छोटे सरकार के कमरे के बाहर गार्ड खड़े किए और पूजा तक वो कड़ी सुरक्षा के साथ गए। तो फिर वो गया कहाँ होगा? बिजली चली गई, यहाँ के भी सारे गार्ड छोटे सरकार के कमरे के बाहर पहुँच गए थे। आप फिक्र मत कीजिए सर, जब तक छोटे सरकार पूजा करके लौटेंगे हम पूरे महल की छानबीन करवा लेंगे। उन तीनों कैदियों को सामने लेकर आओ। क्या कुछ ये देखना था, शॉर्ट सर्किट करके बिजली बंद करने का मकसद उसका महल में घुसना नहीं था, यहाँ आने का था। रमन्ना वो यही पर है, रमन्ना सिग्नल नहीं मिल रहे, सब लोग भाषा की तरफ जाओ, जल्दी पहुंचो और सबसे बुला लो। इधर से उधर से वो जो 3 कैदी काल कोठरी में बंद, उनमें से एक को ही मरा पड़ा। कोई मर रहा है नहीं है, ये भी गए में। फेस ऑफ है और फेस ऑफ है। वो वही जो वहां पर रखा था आगे के पास हड्डी है सबका, सीधा वही उसके पास, उसके पास ही पहुंच गया। सब जगह टाइप करके भी वही उसको उड़ा दिया, गया मर गया। में कहाँ से कहाँ कैरेक्टर कैसे बिल्ड हुआ उसका। वाह,
करनी। उसने मार दिया था। क्या कहा? फिर से कहो। कमरा को मार दिया था। यकीन से सबको खबर लग गई कि गरुड़ा मारा गया। सूर्यवर्धन ने चेतावनी दी थी कि गिद्ध इंतजार में है। अगर कुछ लोग केजीएफ को मिटाने पर तुले हुए थे। मैडम केजीएफ में भाई जब तक गरुड़ा जिंदा है मैं इस गद्दी के बारे में सोचूंगा भी नहीं। मेरे भैया ने कहा था कि मुझे राजनीति नहीं आती, लेकिन लोगों को ये खबर नहीं थी कि किसी और के कदम वहां पड़ चुके थे। एंड्रूज ने जब उसे लॉलीपॉप की तरह बंबई देने का लालच दिया, राखी के लिए वो समंदर तालाब से भी छोटा हो गया। जिस समंदर की तलाश राखी को थी वो बंबई में नहीं था। करुणा को देखने के बाद उसे समझ में आ गया कि हियर इज अ मैन हु कम्स फ्रॉम दैट पावरफुल प्लेस। इसलिए मौका मिलने पर भी उसने उसे छोड़ दिया। केजीएफ को हासिल करने के लिए उसे एक सेना की जरूरत थी। राखी ने गरुड़ा को सबके सामने मारकर वहां लोगों के मन में डर को मार दिया था। अब वो सब उसकी सेना बन गए थे। चार सौ गार्ड्स बंदूक हाथ में लेकर वानरम के कहने पर मारने को तैयार थे, तो 20,000 लोग जिनको हिम्मत आ चुकी थी राखी के इशारे पर मरने को भी तैयार थे। अगर तुम्हें हिम्मत हो कि 1,000 लोग तुम्हारे पीछे खड़े हो तो तुम सिर्फ एक ही जंग जीत पाओगे। अगर 1,000 लोगों ने हिम्मत जुटा ली कि तुम उनके सामने खड़े हो तो पूरी दुनिया जीत जाओगे। उल्टा हो ना, मैंने ये नहीं कि 1,000 मेरे पीछे खड़े हैं, वो 1,000 को लगे कि तू हमारा आगे खड़ा है। दूसरों में काम ये आ गया ना, जोश आ गया। ये अभी पहला चैप्टर था, असली कहानी। आई एम एनफोर्सिंग द आर्मी एंड साइनिंग अ डेथ वारंट ऑफ द बिगेस्ट क्रिमिनल इन इंडिया। अब शुरू होगी। अल्टीमेट यार, मजा आ गया दोस्तों। लाइक हर सीन जबरदस्त, लाजवाब है पूरा। बहुत ही मेरे हिसाब से लाइक इन डिटेल इसका स्क्रीन प्ले लिखा गया है, स्टोरी में सोच समझ के किया गया है। ये सीन क्यों हो रहा कहाँ से रिलेटेड है, है ना। ये सीन जब दिखा रहा है तो वो कैदी लोग को कैसे यूज किया, कहाँ तक गया, कैसे वानरम को धोखा दिया एक तरह से। कैदी खुद बन के भीड़ में होगा, हाँ भीड़ में कहीं पे होगा, या वो साथ पहले से आके छुपा है। एक भी ये भी है कि शायद अभी आके पहले से छुपा है, ये जब वापस आएगा गरुड़ा इसको मार देगा बोल के। बट वो अलग ही था, दोनों नहीं था वो मस्त था। एंड फिर से अगेन बैक स्टोरी जो जा रहा है वापस उसके माँ के तरफ, वो जो उनको सिखाए थे कि अकेला लड़ने के लिए वैसा, फिर झुंड से झुंड लेके नहीं अकेला लड़ने का, ऐसा दूसरे पे वो साहस एंटर कर देना कि वो तेरा सपोर्ट बन के रहे। अभी वही हुआ फिर घूम फिर के वो जो मार दिया गरुड़ो को, सब में वो एक तरह से हिम्मत आ गया कि हम लोग भी अब इतना स्लेव नहीं रह सकते। तो दोस्तों जबरदस्त सीन था, एंड इसका मतलब ये है कि अब वो फिर से बोल सकते हैं वो पॉपअप हो गया है, जो भी विलेन से सब एक्टिव हो गए एक तरह से। जो भी इनायत खली हो, रमिका सेन अब जो इनका अटैक करने का वो हो गया, अधीरा जो अब सोचे थे कि बस भाई मर जाए तो वो अब फ्री है, अब वो गद्दी पा सकते हैं। तो जबरदस्त फाइटिंग, मुझे लगता है सेकेंड हाफ और जबरदस्त होगा दोस्तों। पार्ट टू जबरदस्त होगा यार, क्या जगह पे खंड हुआ। एंड जो मारा वो सीन यार स्लो मोशन में बियर्ड और वो वाटर ऐसे जा रहा है पानी, गरुड़ा का फेस ऑफ फर्स्ट टाइम था, फेस ऑफ भी हो वही बोला मैं, कौन था नहीं देखा वो तो। देखते देखते फर्स्ट टाइम में गायब हो गया सर, मजा आ गया दोस्तों, टू गुड।
बहुत ही हाईलाइट दोस्तों, बहुत मजा आया केजीएफ का ये सब सीन देखने को। होप आपको भी अच्छा लगा हो देखने के लिए, मजा आया दोस्तों। अब तो बहुत ईगरली वेट रहेगा चैप्टर टू का एक्चुअली, है ना? वो भी बहुत स्टाइलिश दिख रहा है। वो तो दिख ही रहा टीजर, देखना क्या अल्टीमेट था यार, टू गुड था, मजा आ गया था। तो ठीक है दोस्तों, वेरी हैप्पी, एक जबरदस्त लुक है दोस्तों। यश एटलीस्ट जो बॉलीवुड या तो हिंदी इंडस्ट्री, उनको जानने मिला कि यश के बारे में, यश जो एक बहुत बड़े सुपरस्टार है कन्नड़ा इंडस्ट्री के, उनके बारे में जानने मिला। क्या एक्टर है, लुक देखिए, बियर्ड वाला लुक, आई गेस उतने बड़े बड़े लुक में मुझे तो कोई अभी हाल फिलहाल में कोई एक्टर ऐसा याद नहीं आ रहा, इतना हैंडसम दिख रहे हैं, पूरा माचो वाला पूरा फीलिंग दोस्तों। वेरी हैप्पी, अच्छा लगा, होप आपको भी अच्छा लगा हो ये रिएक्शन और ये वीडियो भी। ठीक है, फिर अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।